आपके पति तबरेज आलम की हत्या हुई थी, अभी तक उस मामले में क्या अपडेट है? क्या अपडेट बता सकते हैं? जब तबीयत आलम की हत्या हुई तो उसके चश्मदीद को मतलब इतना डर है, लोग इतना डरा दिया है, जान से मारने की कौन धमकी डरा दी जा दिया रही है? है। जो मुद्दालय हैं जिन्होंने हत्या करवाई, उनका नाम तो मैंने दिया है, सारे लोगों को बता चुकी हूँ मैं। फारूक आजम है, रूमी मलिक है, डब्लू मुखिया है और गुड्डू मलिक हैं, बबलू, और भी इनके साथ जो इनके साथी हैं अभी तो अंजार फारूक, ये लोग तो फरार हैं और फरारी में ही इन लोग अपने लोगों के जरिए धमकी दिलवा रहे हैं। और मेरे गवाह जो है डर से वो गवाही देने के लिए आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि उनके जान को भी खतरा है। हम आप लोगों की रेकी आज भी की जाती है, कहीं भी आने जाने पे नजर रखी जाती है और रेकी की जा रही है। हम लोगों के जान को भी किस वक्त क्या हो जाए ये नहीं कहा जा सकता है। इस संदर्भ में पुलिस को भी बताई थी? इस संदर्भ में पुलिस को मैं बता चुकी हूँ सारे लोगों के बारे में, मेरे गवाह को धमकाया जा रहा है, मैंने ये भी कहा है पुलिस को, प्रशासन को मैंने बता दिया है कि अंजार के यहाँ से उसके बाप ने जाकर धमकी दी है मेरे एक गवाह को कि पीछे हट जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अभी क्या है और गवाहों की स्थिति? गवाह बहुत डरे सहमे हैं, बहुत डरे सहमे हुए हैं। और आज मैं फुलवारी थाना गई थी, जिस जमीन के लिए इनकी हत्या की गई उसके एक प्लॉट पे अंदलिप मलिक नाम के एक शख्स का काम हो रहा है। मैं कैसर आलम के पास गई एक पटिशन देने के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए कि काम रुकवाया जाए। उन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की, इस तरह से पेश आए कि एक औरत के साथ इतनी बदतमीजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रशासन मेरे साथ तो इतना बड़ा हादसा हुआ, सिंपैथी की जगह सहानुभूति की जगह वो मेरा अपमान करेंगे। एक औरत के सम्मान को उन्होंने नहीं समझा, नहीं समझा। और एक औरत के साथ साथ मैं एक दुखियारी औरत हूं, अपना फरियाद लेकर गई थी, लेकिन कैसर आलम ने इस चीज को नहीं ये किया, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाया, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई। इस संदर्भ में वरीय अधिकारियों से मुलाकात की है? मैं कल नैयर हसनैन साहब के पास जाऊंगी और मैं उनसे मिलूंगी, उसके बाद ही मैं कुछ बता सकती हूँ। आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ शमा परवीन, मेरे पति का नाम स्वर्गीय तबरेज आलम, रहने वाली ग्रांड चंद्रा अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड।